सभी को नोट करते चलना है, ठीक है। आलोक प्रकाश वलिया से जुड़ चुके हैं, स्वागत है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, एक एक क्वेश्चन जो भी नोट कराया जाएगा, कल से तो प्रैक्टिस क्लास होगी चैप्टर वाइज, ठीक है। आज आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा समझना, ठीक है। जैसे हमने कहा था मूल राशियों की संख्या सात है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, सात है। पूरक राशियां कितनी है, दो है। इनको छोड़ करके जितनी भी राशियां होती है सब व्युत्पन्न होती है। कल हमने बताया था, जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के बारे में बताया था, आयतन बताया था, घनत्व बताया था, चाल बताया था, वेग बताया था, त्वरण बताया था, संवेग बताया था, आवेग बताया था, बल बताया था, सारी चीजें हमने बताया था। ये सारी चीजें होती हैं। जब राशियां तीन प्रकार की होती हैं तो उनके मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे, तीन। एक होता मूल मात्रक, दूसरा होता पूरक मात्रक, तीसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया था। अब बच्चों मात्रकों की पद्धतियां हम लोगों को बेसिक समझना। मात्रकों की पद्धतियां मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां, सारे विद्यार्थी जो है निकालेंगे, मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों हम लोगों को जानना है। एक हम लोगों को समझना है एम के एस पद्धति होता है एम के एस सिस्टम। दूसरा होता बच्चों सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति होता है। और तीसरा होता बच्चों एफ पी एस पद्धति, ठीक है। और एक होता है एस आई पद्धति। ये मात्रकों की पद्धतियां है। एम के एस पद्धति, एम का मतलब होता बच्चों मीटर, के का मतलब होता किलोग्राम, एस का मतलब होता सेकंड, सीजीएस का मतलब होता सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फिर पीएस का मतलब होता फुट पाउंड सेकंड। देखो यहां पर इसका मतलब है, यहां पर बच्चों लंबाई का, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां लिख दे रहे हैं एम के एस का मतलब होता बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मतलब यह है कि लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। ये एम के एस पद्धति है। इसी तरीके से बच्चों सीजीएस पद्धति की बात करते हैं, सेंटीमीटर, सी मतलब होता सेंटीमीटर होगा, जी का मतलब होगा ग्राम, और एस का मतलब होगा सेकंड, एस का मतलब क्या होता सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लंबाई का मात्रक बच्चों सेंटीमीटर होगा, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, नोट भी करते चलना। वैसे जो है फिजिक्स की पीडीएफ हम पहले चैप्टर कर देंगे आप लोगों को, अभी समझ लो केवल। और जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनको आपको नोट भी करते चलना है, साथ साथ देखो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। जब आप जितना लिखोगे उतना ही एक्सपीरियंस होगा कि भाई सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का मतलब लंबाई का मापन सेंटीमीटर में होगा, इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में होगा, और समय का मापन जो होगा वो सेकंड में होगा। इसी तरीके से बच्चों एफ पी एस पद्धति का मतलब होता फुट, ठीक है, और पी का मतलब होता पाउंड, फुट पाउंड, और एस का मतलब होता सेकंड, फुट पाउंड सेकंड का मतलब होगा लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, और जो है समय को किस में मापेंगे सेकंड में मापेंगे। तो ये हो जाएगा एफपीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों एसआई सिस्टम, इसे बोलते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको बच्चों आजकल एमकेएसए बोला जाता है, इसको आजकल क्या बोलते हैं एमकेएसए, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। इसमें विद्युत धारा को भी शामिल किया गया है, ठीक है, पहले धारा को शामिल किया गया, बाकी इनके अलावा तीन और राशियों को मापा इसमें शामिल किया गया। एक होता ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, तीन और इसी में शामिल कर लिया गया एमकेएसए पद्धति, जो इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें विद्युत धारा यानी उसका मात्रक होता है एम्पियर, यहां पर विद्युत धारा को भी शामिल कर लिया गया था। बाद में क्या हुआ, इसी प्रणाली में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में तीन और राशियां शामिल की गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में सात मूल राशियां हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए। मात्रकों की पद्धतियां नहीं मलिक, एफ पी एस का मतलब है एफ पी एस, पहले ये समझो एमकेएस क्या, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी तरीके से बच्चों सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा मास का ग्राम होगा, समय का क्या होगा सेकंड, या फिर पीएस में क्या होगा फुट पाउंड सेकंड, लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का पाउंड होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। और जो है एसआई पद्धति है जिसको मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे कहते हैं। शिवम मौर्य क्या बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो बता दे। जो विद्यार्थी जो है अभी नहीं लिख पा रहे केवल समझ रहे तो समझते रहे, हम आपको इसका नोट्स जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। समझने का जरूर प्रयास करें, हमारी बात को गंभीरता से सुने, ठीक है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बाद में लिख लीजिएगा,
ठीक है, शाम को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप देख करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर पी एस पद्धति अभी केवल समझिए, फुट पाउंड सेकंड मतलब लंबाई का मात्रक क्या होगा फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा पाउंड, समय का मात्रक क्या होगा सेकंड होगा, ये एफपीएस सिस्टम हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया कि भाई हमने ये भी बता दिया कि जो है एसआई पद्धति में सात मूल राशियां और उनके सात मूल मात्रक है, सात मूल मात्रक के अलावा दो पूरक मात्रक है, एक रेडियन होता है दूसरा स्टे रेडियन होता है, एक रेडियन होता है दूसरा क्या होता है स्टे रेडियन होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों एक चीज समझना है, जो है यहां पर हमने क्या क्या पहले समझ लिया, ये चीज समझ लो, भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है, इसके बाद हमने भौतिक राशियां बता दिया कितने प्रकार की होती है, मूल राशियां बता दिया, मूल मात्रक बता दिया, व्युत्पन्न राशियां बता दिया, व्युत्पन्न मात्रक बता दिया, देखो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, समझिए बात की ना, जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनके जो मात्रक होते हैं उनको क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक चीज और समझना है, जैसे कल बताया था वैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसी राशि बताओ, क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो आप कहोगे क्या क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बताया था क्षेत्रफल का, बताया था मीटर स्क्वायर, देखो मीटर जो है, मीटर जो आप देख पा रहे हो मीटर तो लंबाई का मात्रक है, लंबाई मूल राशि है, अगर सिर्फ मीटर की पावर वन होता मीटर होता तो मूल मात्रक होता, लेकिन अगर मूल मात्रकों के ऊपर घाते चढ़ी हुई है तो समझ जाना वो मूल मात्रक नहीं है, तब उसे आप कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वो मूल मात्रकों से जो उत्पन्न हुआ है तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है, सभी लोग लाइव जुड़े रहो। अब देखो लंबाई के कुछ छोटे मात्रक भी हम समझ लेते हैं, लंबाई के बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी जान लेते हैं लंबाई के, ये जरूर नोट कर लेना आप लोग, लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक, ठीक है, लंबाई के छोटे मात्रक हम लोगों को समझना है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के छोटे मात्रक बच्चों समझना है, जिसमें पहला जो मात्रक होता है उसको कहते हैं फर्मी, क्या बोलते हैं फर्मी कहते हैं बच्चों, फर्मी, फर्मी जो है लंबाई का छोटा मात्रक है, और एक फर्मी में बच्चों होता है 10^-15 मीटर होता है, एक फर्मी में 10^-15 मीटर, यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखें आप लोग, यूपी कैडेट परीक्षा में पूछा जा चुका है फर्मी के बारे में, एक फर्मी में 10^-15 मीटर होता है, और ये भी पूछा गया, ये भी देखो यहां पर ये भी पूछा गया है कि फर्मी का उपयोग कहां होता है, तो ये भी पॉइंट लिख लो, नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं, नोट कर लो, नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं, इसको अंदर कैमरा, नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं किसमें, फर्मी में मापी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही सवाल यूपी कैडेट में पूछे जा चुके हैं कि भाई फर्मी क्या है, तो आप कहेंगे लंबाई का छोटा मात्रक है, एक फर्मी में कितने मीटर होता है, बोलोगे 10^-15 मीटर होता है, और जो है नाभिकीय दूरियां, नाभिक से संबंधित जो परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया, ठीक है, तो नाभिकीय दूरियां जो मापी जाती है वो फर्मी में मापी जाती है। दूसरा जो है एक्स किरण मात्रक, ये भी लंबाई का ही मात्रक है, इससे देखो ये सबसे छोटी दूरी यही होती है, उसे थोड़ी सी बड़ी दूरी जो मापेंगे होगी ये भी छोटी दूरी, एक्स किरण मात्रक, इसे एक्स किरण इकाई कहते हैं, इसमें होता है बच्चों 10^-13 मीटर, एक एक्सरे यूनिट में 10^-13 मीटर होता है। तीसरा जो होगा, ठीक है, तीसरा बच्चों होता है नैनोमीटर जो होता है, ये भी लंबाई का छोटा मात्रक है, एक नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होता है बच्चों। एंगस्ट्रॉम भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है, एंगस्ट्रॉम बच्चों ये भी लंबाई का ऐसे लिखा जाता है, एक ऊपर ऐसे जीरो लिख देते हैं, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम, ये भी लंबाई का छोटा मात्रक है, एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है। अच्छा पूछा क्या गया है यहाँ पर, एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, जब एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर, तो एक मीटर में 10^-10 एंगस्ट्रॉम होता है, एक मीटर में 10^-10 एंगस्ट्रॉम होता है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही सभी को, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, किसी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों लंबाई के छोटे मात्रक में हम लोग समझ रहे हैं फर्मी, एक्स किरण मात्रक, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, और इसी तरीके से बच्चों माइक्रॉन भी लंबाई का छोटा मात्रक है, एक माइक्रॉन में 10^-6 मीटर होता है, एक माइक्रॉन में 10^-6 मीटर होता है, ठीक है, ओके है, सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को, तो इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये हमने लंबाई के छोटे मात्रक बता दिए, तो लंबाई के छोटे मात्रक जैसे नाम ले तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, फर्मी, क्या आना चाहिए फर्मी, और एक्स किरण मात्रक सब याद करते चलो, ठीक है, एक्स किरण मात्रक अब याद होना चाहिए सबको, और इसके बाद एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्या होगा माइक्रॉन, ये सब बच्चों लंबाई के छोटे मात्रक होते हैं,
ये लंबाई के छोटे मात्रक है, लंबाई के छोटे मात्रक। इतनी बात सबको क्लियर है, लंबाई के छोटे मात्रक में कौन कौन सा बताया हमने? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पवन वर्मा फिर से कह रहे हैं बताने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए लगभग लगभग सभी को समझ में आ गया। पवन वर्मा ठीक है, बता दे रहे हैं। देखो हम बता रहे हैं, फिर से समझो। जैसे क्या हम बता रहे हैं लंबाई के मात्रक? एक हमने बताया फर्मी, फिर से सुनो, फर्मी लंबाई का छोटा मात्रक है। यक्स किरण इकाई, यक्स किरण इकाई को या यक्स किरण मात्रक, यह भी लंबाई का छोटा मात्रक है। एंगस्ट्रॉम बच्चों, अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें, यह भी लंबाई का छोटा मात्रक है। एंगस्ट्रॉम लंबाई का छोटा मात्रक है। अगर हम नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर, यह भी लंबाई का छोटा मात्रक है। अगर हम माइक्रॉन की बात करें, यह भी लंबाई का छोटा मात्रक है। माइक्रॉन भी लंबाई का छोटा मात्रक है। ये सब लंबाई के छोटे मात्रक है। फर्मी में 10^-15 मीटर होता है, यक्स किरण इकाई में 10^-13 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है, नैनोमीटर में बच्चों 10^-9 मीटर होता है, माइक्रॉन में 10^-6 मीटर होता है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का छोटा मात्रक है, है ना? तो तीन में बड़े मात्रक लिखे होंगे, चौथे ऑप्शन कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इनमें से कोई एक लिखा होगा, तो वही विकल्प सही हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है नाभिकीय दूरियां मापी जाती है, फर्मी में मापी जाती है, एक फर्मी में कितने मीटर होता है? 10^-15 मीटर होता है। इस प्रकार की बातें पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद लंबाई या दूरी के बड़े मात्रक, दूरी या लंबाई, दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई या दूरी के बड़े मात्रक हमको समझना है। बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लंबाई या दूरी के बड़े मात्रक। अमन मिश्रा चलिए सबको समझ मार रहा, सबसे बढ़िया चीज है कि सब बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूरी के बड़े मात्रक में कौन कौन सा है ये हम लिख दे। एक होता बच्चों प्रकाश वर्ष, ध्यान रखें प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दे करके समय का मात्रक ना टिक करके चले आना, लाइट ईयर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये होता लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब होता प्रकाश वर्ष। और बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो खगोलीय मात्रक, खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक, ये भी जो है लंबाई का बड़ा मात्रक है। इसको बोलते हैं बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब खगोलीय मात्रक। और एक बच्चों सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो पार्सेक होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा जो होता है पार्सेक होता है। यहां पर ये लंबाई या दूरी के बड़े मात्रक लिखे हैं, सब लोग याद करो क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी या लंबाई का बड़ा मात्रक है। इसके बाद खगोलीय मात्रक लंबाई या दूरी का बड़ा मात्रक है। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, पार्सेक लंबाई या दूरी का बड़ा मात्रक है। इन तीनों में सबसे बड़ा जो होगा, इन तीनों में सबसे जो बड़ा होगा वो पार्सेक होता है। इन तीनों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो होता है वो पार्सेक होता है, ठीक है। नीलेश पाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही बता रहे हैं, इतनी बात सबका नोट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद देखो यहां पर एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं हम लोग। एक प्रकाश वर्ष में विद्यार्थियों ध्यान दो, 9.46 × 10^15 मीटर होता है, 9.46 × 10^15 मीटर। और अगर इसे किलोमीटर में उत्तर में लिखा हो ऑप्शन में, तो या इसे किलोमीटर में क्या लिखेंगे, देखो 9.46 बच्चों, और यहाँ किलो का मतलब होता है 10^3। यहाँ पर जब किलोमीटर में होगा तो 10^12, और यहाँ पर मीटर के पहले किलो लिख दिया जाएगा, तो किलोमीटर, क्योंकि किलो का अर्थ है 10^3। अगर इस किलोमीटर को मीटर में बदलना भी चाहो तो 10^3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10^12 × 10^3 यही आएगा 10^15। इसे किलोमीटर में भी कह सकते हैं, ठीक है। या बच्चों ध्यान दो, अगर 9.46 को हम लोग 10 की कल्पना करें, 9.46 को मान लो 10 है, तो 10 × 10^15 लगभग ये मान कितना हो जाएगा, 10^16 मीटर लगभग होगा, 10^16 मीटर। पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी या लंबाई का बड़ा मात्रक है। दूसरा पॉइंट, एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के समतुल्य है, 9.46 × 10^15 मीटर। अगर ऑप्शन में किलोमीटर में होगा तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर लिखा रहेगा। कभी कभी बच्चों ना तो ऑप्शन में ये रहता है ना तो ऑप्शन में ये रहता है, तो हम लोग असमंजस में हो जाते हैं कि जो हमने याद कर रखा है वो तो ऑप्शन में मिला नहीं, लेकिन लगभग लगभग किसके बराबर होगा, 9.46 को लगभग 10 की कल्पना किया जाता है, और 10 × 10^15 का अर्थ होता है 10^16। कितना होगा, 10^16 होगा, ठीक है। नमन जैन सही कह रहे हो बेटा, लेकिन जो उसको जो हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, उसका छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, होता है सारे होते हैं, पिकोमीटर भी होगा, और भी बड़े मात्रक होते हैं, जैसे बड़े मात्रक में गीगा मीटर हो जाएगा, मेगा मीटर हो जाएगा, लेकिन हम किलोमीटर का ही उपयोग करते हैं। तो वो सब नहीं, केवल इतना आपको याद रखना, जितना हमने बताया क्या क्या बताया, फर्मी बता दिया है आपको, एंगस्ट्रॉम बता दिया है, एक्स-रे मात्रक बता दिया है, नैनोमीटर बता दिया है, माइक्रोन बता दिया है, ये लंबाई के छोटे मात्रक है। और बड़े मात्रक में ये बता रहे हैं, एक है प्रकाश वर्ष और दूसरा बच्चों खगोलीय मात्रक, है ना, खगोलीय, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक की बात करते हैं। खगोलीय मात्रक का मतलब खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.49 × 10^11 मीटर होता है बच्चों, 1.49 को लगभग बच्चों 1.49 को लिखते हैं 1.5, 1.5 × 10^11 मीटर,
डेढ़ गुणे दस की घात 11 मीटर, 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, या इसको 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर कहेंगे। इतनी बात ठीक है, वेरी गुड अर्जुन कुमार, बिल्कुल बेटा। मीटर के पहले कोई भी पूर्व लग्न लिखा होगा तो लंबाई का ही मात्रक होगा। अभी सारे पूर्व लग्न भी आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। खगोलीय मात्रक ये होता है। इसके बाद बच्चों अगला है जो पारसेक है, पारसेक इन तीनों में सबसे बड़ा है, पारसेक इन तीनों में सबसे बड़ा है। एक पारसेक में बच्चों होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बहुत छोटी दूरी नहीं है, बहुत ही बड़ी दूरी है। एक लाइट ईयर में 9.46 × 10^15 मीटर होता है। यहाँ पर पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होगा, तो यहाँ पर इसको जो अगर मीटर में बदलना चाहे तो 3.26 इंटू क्या हो जाएगा 9.46। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, 15 मीटर। तो इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे, जब इसको हल करोगे तो हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख रहे हैं। इसका सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। यही आपको याद रखना है, यही याद रखना है। ये आपको नहीं याद रखना, आपको ये फंडामेंटल याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक जो प्रकाश वर्ष होता है ध्यान दे, उसमें 9.46 × 10^15 मीटर होता है। जब उससे गुणा कर दोगे 3.24 को तो लगभग आएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो कुल मिलाकर के एक प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या एक पारसेक में 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई, पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा है, देखो पारसेक सबसे बड़ा है और उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है प्रकाश वर्ष, उससे छोटा है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, सबसे छोटा है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्योंकि बच्चों खगोलीय इकाई में 1.49 × 10^11 मीटर होता है, और इसमें क्या होता है 16 होता है, 10^16। अब ये कह रहे हो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 होता, तो सबसे बड़ा क्या है पारसेक, सबसे छोटा क्या है इसमें। इन तीनों ही बड़े मात्रक है, तीनों ही लंबाई के बड़े मात्रक है, लेकिन इन तीनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सबसे बड़ा जो इन तीनों में होगा वो पारसेक होगा, और सबसे जो छोटा होगा इनमें वो खगोलीय इकाई हो जाएगी, खगोलीय इकाई, ठीक है, सबसे लार्ज है, वेरी गुड। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही गया होगा। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो बताएं। अभिषेक कुमार गुप्ता, वेरी गुड, काफी लोग, दिलीप कुमार, आप लोग आंसर आगे से आगे देते रहा करो, ठीक है। आसमेंद्र सिंह, वेरी गुड, रजनीश कुमार, वीरेंद्र त्रिपाठी, चलिए काफी बढ़िया जवाब सभी का है, ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिए, ठीक है। शिवम कुमार हरदोई, चलिए सब लोगों ने अच्छा जवाब दिया है, चलिए देखते हैं आगे। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही गया होगा। किसी विद्यार्थी को अगर इतना समझने में कोई दिक्कत आई हो तो जरूर बताएंगे, ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो जरूर वो बताएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पवन वर्मा आ गया इनको समझ में, बिपिन राजपूत को आ गया, ठीक है, हर्ष शर्मा, वेरी गुड, अर्जुन कुमार, नमन जैन, चलिए लगभग लगभग, अभिनव मिश्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और फ्लक्चुएट कर रहे हैं कुछ लोग इधर उधर भागा करते हैं। भैया लाइव जुड़े रहो लगातार, लाइव पढ़ना एकदम बिल्कुल ऑफलाइन जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे ही तो पढ़ा रहे, बस खाली आप दूर बैठे हो क्या, बस ये है ईमानदारी से बिल्कुल पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। कल से हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, कल से अगर मान लो एक चैप्टर का 25 क्वेश्चन लाए तो 25 क्वेश्चन के आधार पर सैकड़ों क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना, वही सब आता घूम घूम के इतना करा देंगे कि काम हो जाएगा, ठीक है। कल से प्रैक्टिस सेशन आएगा, सब लोग रेडी रहिएगा, अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए अवनीश मौर्य, राघवेंद्र सिंह, वेरी गुड। अच्छा जो आप लोग बार बार कह रहे हो, जैसे कोई कोई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा मीटर तो किसी ने कहा किलोमीटर, किसी ने कहा सेंटीमीटर, किसी ने कहा मिलीमीटर, ये जो पहले लिखा जा रहा मिली सेंटी किलो ये जो देख रहे हो, या जैसे हमने कहा मीटर के पहले नैनो लग गया ये नैनो मीटर, ठीक है। और कोई बच्चा कहा पिकोमीटर, किसी ने कहा पिकोमीटर, ठीक है, किसी ने कहा गीगामीटर, तो मीटर के पहले जो हम बोल रहे हैं इसको कहते हैं पूर्व लग्न, क्या बोलते हैं पूर्व लग्न। तो कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न हम लोग नोट कर लेते हैं, जैसे बच्चों पूर्व लग्न में यहां पर लिख रहे हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, और यहां पर लिख रहे हैं 10 की घात, वो 10 की कितनी घात को बताते हैं, 10 की कितनी घात को बताते हैं, ये जानना है पूर्व लग्न, और यहां पर 10 की घात, यहां पर बच्चों एक्सा, ठीक है, एक्सा, या इसे ही पढ़ा जाता है एक्जा, ठीक है, चाहे आप एक्सा पढ़िए चाहे एक्जा पढ़िए, अगर कहीं पर एक्जा है लिखा, एक्जा जैसे लिखा है उसका मतलब समझेंगे 10 की घात 18, प्लस का 18 है, एक्जा का मतलब होता है 10 की घात 18, ठीक है। इसके बाद है पीटा, एक्जा पीटा, पीटा का मतलब होता है 10 की घात 15, इसके बाद बच्चों होता है टेरा, ठीक है, टेरा, टेरा का मतलब होता है 10 की घात 12, एक्जा पीटा टेरा, गीगा, गीगा, गीगा होता है बच्चों 10 की घात 9, इसके बाद आता है मेगा, इसके बाद आता है मेगा, मेगा का मतलब 10 की घात 6, इसके बाद बच्चों आता है किलो, ये पूर्व लग्न हम लोग पढ़ रहे हैं, किलो का अर्थ है 10 की घात 3, इसके बाद बच्चों आता है हेक्टो, क्या आता है हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10 की घात 2, ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों डेका, डेका, डेका का मतलब होता है 10 की घात 1। तो यहां पर जो देख पा रहे हैं आप एक्जा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो हट्टो, ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर देखो एक्जा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, ठीक है, डेका के बाद बच्चों आएगा डेसी, ठीक है, डेसी,
डेसी का मतलब होता है 10^-1, फिर आएगा बच्चों सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10^-2, फिर आएगा विद्यार्थियों मिली, मिली का मतलब होगा 10^-3, फिर बच्चों आएगा माइक्रो, क्या आएगा माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10^-6, फिर इसके बाद नैनो, नैनो, नैनो का मतलब आएगा 10^-9, फिर इसके बाद बच्चों आएगा पिको, पिको का मतलब होगा 10^-12, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा फेमटो, फेमटो जिसे फर्मी कहते हैं, फेमटो जिसे फर्मी कहते हैं 10^-15, फिर बच्चों आएगा आटो, आटो आएगा 10^-18। तो देखो यहां पर 10^-18 से लेकर के 10^-18 तक हमने पूर्व लग्न के बारे में बता दिया है, इसके बारे में पूर्व लग्न, ठीक है, क्लियर है, हाँ, इनको पूर्व लग्न को प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न, यह पढ़ क्या रहे हैं लोग, कुछ महत्वपूर्ण, सब इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न, ये कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न है। तो क्या है, एक एक आपको याद रखना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है ये भी बता दें, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो है मेगा है, किलो है, मेगा किलो इधर से सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर से सेंटी है बच्चों, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेमटो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए आप लोगों को कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे हम कहते हैं मेगा का क्या अर्थ है, तुरंत आप कहोगे 10^6, हम बोले किलो का अर्थ क्या है 10^3, ठीक है, हम कहें मिली का क्या अर्थ है तो 10^-3, हम बोले सेंटी का क्या अर्थ है 10^-2, समझिए बात करें, तो कुल मिलाकर के आपको 10^+18 से लेकर 10^-18 तक आपको याद रखना है, ठीक है। पिको के ऊपर क्या लिखा है, पिको के ऊपर चलो बता दे रहे हैं, पिको के ऊपर क्या लिखा, ये ना ये वाला, ये है आपका नैनो, क्या है ये नैनो है, ठीक है, इसे कहते हैं नैनो, यहां पर कहेंगे नैनो, नैनो मतलब 10^-9, पिको मतलब 10^-12, फेमटो का मतलब 10^-15, आटो का मतलब 10^-18, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। आलोक प्रकाश, क्लियर है आप, आलोक प्रकाश, हाँ सुमेंद्र ने पूरा लिख दिया है, शिवम वेरी गुड, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुनो एक बार, सुनो ध्यान से, एक्जा पीटा, एक्जा पीटा टेरा गीगा, ठीक है, एक्जा पीटा टेरा गीगा, मेगा किलो, हेक्टो डेगा, डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, नैनो पिको, फेमटो आटो, एक्जा पीटा टेरा गीगा, समझे बात कि नहीं, मेगा किलो, हेक्टो डेगा, डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, नैनो पिको, फेमटो आटो, सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कपिल दुबे, क्लियर है, अनमोल कुमार, चलिए वेरी गुड, एक्जा पीटा टेरा गीगा, एक्जा पीटा टेरा गीगा, मेगा किलो हेक्टो डेगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो, ऐसे याद करिए सभी लोग, एक्जा पीटा टेरा गीगा, एक्जा पीटा टेरा गीगा, ऐसे मन में आप चलाएं, एक्जा मतलब ये एक्जा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जरूरी है, एक्जा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है, पिको माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो, 10^18 से 10^-18 तक ये आप लोगों को याद होना चाहिए पूर्व लग्न, ओके है, सभी विद्यार्थियों को क्लियर है, ऑल क्लियर, किसी को अगर कोई दिक्कत हो जरूर बता दो भाई, ऑफलाइन जैसा आपको क्लास पढ़ाया जा रहा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, ठीक है, यहां पर ये चीज हो गया। अब जैसे हम कहते हैं मीटर, मीटर के पहले के लिख दें किलो, ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे देखो मीटर, मीटर के पहले हम लिख रहे हैं किलो, इसका मतलब है किलोमीटर, तो ये मीटर का पूर्व लग्न है किलो, जिसका अर्थ है 10^3, और मीटर बगल में लिखा रहने दो, तुरंत कहेंगे 1 किलोमीटर में 10^3 मीटर। जैसे हम कहते हैं बच्चों सेंटीमीटर, 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 मीटर का पूर्व लग्न है सेंटी, सेंटी मतलब 10^-2, और ये बगल में लिख दो मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर। अगर हम कहते हैं बच्चों मिलीमीटर, क्या कहते हैं मिलीमीटर, मीटर का देखो मीटर का पूर्व लग्न है मिली, मिली मतलब होता है 10^-3, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, कोई समस्या किसी को। आलोक प्रकाश, फेमटो में बेटा 10^-15 है, फेमटो में 10^-15 मीटर होता है, ठीक है। मनीष राठौर कह रहे हैं एंगस्ट्रॉम भी होता है, बिल्कुल बेटा होता है, एंगस्ट्रॉम होता है लेकिन वो पूर्व लग्न नहीं है, पूर्व लग्न जो अब कहीं सुना है एंगस्ट्रॉम मीटर, अरे भाई जैसे आप ये कह रहे हो मीटर के पहले सेंटी सुना है, मीटर के पहले किलो सुना है, ठीक है, मीटर के पहले मिली सुना है, अब क्या कहीं आपने मीटर के पहले एंगस्ट्रॉम पढ़ा है, एंगस्ट्रॉम मीटर पढ़ा है क्या? एंगस्ट्रॉम नाम की चीज होती है बट नॉट प्रीफिक्स, वो पूर्व लग्न नहीं होता, वो पूर्व लग्न नहीं होता, मीटर के पहले कहीं एंगस्ट्रॉम पढ़े हो, कहीं क्या कभी ऐसा कहा, जैसे कहते हो
एक किलोग्राम आलू दे दो, 2 किलोग्राम आलू दे दो, 3 किलोग्राम आलू दे दो, कभी जो है किलो तो पढ़े हो, ग्राम के पहले किलो, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, तो ग्राम के पहले किलो, तो क्या कहीं पर ये कहे हो कि हमें एक एंगस्ट्रॉम, हमें एक एंगस्ट्रॉम ग्राम, एक एंगस्ट्रॉम ग्राम आलू चाहिए, ऐसा तो पढ़े नहीं। तो वो पूर्व लग्न नहीं है, वो पूर्व लग्न नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, पूर्व लग्न ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन ये सुना है मीटर के पहले किलो, मीटर के पहले सेंटी, मिलीमीटर सुना है, तो मिली तो सुने हो ना, ये सब जो है पूर्व लग्न होते हैं। और वो एंगस्ट्रॉम जानते हो लंबाई का छोटा मात्रक है, लेकिन वो पूर्व लग्न नहीं है किसी का, पूर्व लग्न नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा जो हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो हमने आपको लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया। अगर किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले, कोई समस्या किसी को? आप देखो बीमा समझेंगे, बीमा, बीमा क्या है, बीमा व बीमा सूत्र, बीमा व बीमा सूत्र क्या है, बीमा किसे कहते हैं और बीमा सूत्र किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बीमा क्या चीज है और बीमा सूत्र क्या है, ये चीज हम लोगों को जानना जरूरी है। बीमा क्या है, जैसे देखो आप लोगों को हमने बताया है कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां बताया है। तो देखो बीमा क्या है, जैसे हमने कहा कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर होता है, मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि, इसका मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 2, मीटर गुणे मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 2 हो जाएगा। अब यहां पर ये मीटर क्या है, मूल मात्रक, ये मीटर क्या है, केवल मीटर की बात करें तो लंबाई तो मूल राशि है, लंबाई क्या है, मूल राशि, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर के ऊपर घात 2 चढ़ी है, ये जो 2 घात चढ़ी है इसे बीमा कहते हैं, ये जो 2 घात चढ़ी इसे क्या बोलते हैं, इसी घात का नाम बीमा है। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, जो मूल मात्रक है, जैसे 7 मूल राशियां हैं, तो वो उन मूल राशियों के जो मात्रक हैं उनके ऊपर जो चढ़ी बीमाएं होती हैं, सॉरी चढ़ी घातें होती हैं, उन्हीं घातों का नाम बीमा है, उन्हीं घातों का नाम बीमा होता है, डायमेंशन, ठीक है, उसे बीमा कहते हैं। जैसे मान लो आयतन की बात करते हैं, आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का जो है मात्रक होगा मीटर, चौड़ाई का भी होगा मीटर, ऊंचाई का भी होगा मीटर, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3। प्यारे बच्चों जो मीटर है वो तो लंबाई का मात्रक है, ये मूल मात्रक है मीटर, उसकी घात 3 चढ़ी हुई है, उसी घात को कहते हैं बीमा, उसी घात का नाम क्या है, बीमा कहते हैं, डायमेंशन, यहां पर जो है डायमेंशन 3 आ गई, घातों को बीमा कहते हैं। इसी तरीके से घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहां पर मास की अगर बात करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का हमने कहा मीटर की घात 3, इसको ऊपर ले जाओ जरा, तो किलोग्राम मीटर की घात -3, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 लिख दो, ये जो घात चढ़ी हुई है, किलोग्राम मूल मात्रक है, किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, ये जो 1 और -3 है, ये जो घात चढ़ी है इसे कहते हैं बीमा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बीमा कहते हैं, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है। और बीमा सूत्र क्या है बच्चों, बीमा सूत्र जो है देखो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे देखो ध्यान देना, लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ कहते हैं, लंबाई का मतलब लेंथ होता है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए बच्चों L लिख देते हैं, ये L का मतलब लेंथ होता है। इसी तरीके से द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, ठीक है, मास, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M लिख देते हैं, ये मास हो जाएगा। इसके बाद समय होता है, समय, समय का मतलब होता है टाइम, समय का मतलब टाइम होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये T लिख देते हैं, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, T लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ऐसे बच्चों विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है एम्पियर, ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर से इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, तो एम्पियर से इसको जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है विद्युत धारा का एम्पियर ए लिख देते हैं। इसी तरीके से ताप, ताप का मात्रक बच्चों केल्विन होता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, ठीक है, इसलिए बच्चों इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर के लिख देते हैं, या क्या लिख देते हैं, थीटा, या थीटा लिख देते हैं, के या थीटा। तो जब हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र को दर्शाने के लिए लंबाई की जगह जहां मीटर होगा वहां एल लिखेंगे, द्रव्यमान जहां मास होगा वहां एम लिखेंगे, जहां समय टाइम होगा वहां पर टी लिखेंगे, विद्युत धारा का ए लिखेंगे, और जो ताप का थीटा यहां के लिखेंगे, विमीय सूत्र, क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। इतनी बात क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बताओ जल्दी क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। अगर भाई जैसे जहां पर समय है टाइम वहां टी लिखते हैं, जहां पर मास है वहां पर एम लिखते हैं, ठीक है, जहां पर लेंथ है लंबाई वहां एल लिखते हैं, जहां पर करंट है वहां पर ए लिखते हैं, टेम्परेचर जहां ताप है वहां थीटा या के लिखते हैं, थीटा या के, ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे बीमा सूत्र, बीमा सूत्र इस तरीके से लिखा जाता है,
बीमा सूत्र, किसी भी भौतिक राशि का जो बीमा सूत्र होता है, बीमा सूत्र का दूसरा नाम बच्चों आयामी सूत्र, इसी का दूसरा नाम है, इसे आयामी सूत्र कहते हैं। चाहे आप बीमा सूत्र कहिए, चाहे इसे को आयामी सूत्र कहिए। इस प्रकार का किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए यम की घात कुछ रहेगी, यल की घात कुछ आएगा, मान लो बी, यम की घात ए, एल की घात बी, टी की पावर सी, और जो है थीटा, थीटा की पावर यहां पर मान लो डी। इस तरीके का कोई सूत्र लिखा जाएगा किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, ऐसे सूत्र को बच्चों आयामी सूत्र या बीमीय सूत्र कहते हैं। आयामी सूत्र, ठीक है, ओके है, इसे आयामी सूत्र या बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है, सबको आ रहा समझ में। ठीक है, कुछ लोग लेकिन बीच बीच में जो है हमें लगा खाने पीने लग रहे होंगे, लाइव छोड़ करके जो है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। हिमांशु पांडे, एसबीएल, सत्येंद्र कुमार, अंकित कुमार, कपिल दुबे, पीयूष यदवंशी, विपिन, कृष्ण शुक्ला, आदित्य विश्वकर्मा, वेरी गुड, ठीक है, आसमेंद्र, वेरी गुड, चलो काफी अच्छा जवाब है सभी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो बीमीय सूत्र निकालते हैं एक एक चीज। सबसे पहले यहाँ पर एक एक देखो बीमीय सूत्र ज्ञात करना। सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओ मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे व्युत्पन्न राशि, इसका सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई इसका मात्रक बता दो, व्युत्पन्न मात्रक लंबाई और लंबाई मीटर गुणे मीटर, तो मीटर की घात दो हो जाएगा, है ना। अब अगर हम कह रहे हैं भाई इसका बीमा बता दो, इसकी बीमा बता दो, बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र देखो मीटर मतलब लंबाई होता है एल, और घात में क्या दो, एल टू हो जाएगा, तो एल टू हो गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा एल टू। क्लियर है सभी को। इसी तरीके से दूसरा, अगर हम आयतन की बात करते हैं, अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन का बीमा सूत्र, देखो बीमा सूत्र आप तभी निकाल पाओगे जब सारे सूत्र आपको पता हो। सारे सूत्र अगर आपको पता होंगे तो बीमा सूत्र और व्युत्पन्न मात्रक बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर बीमा सूत्र लिखना चाहे, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो एल और पावर में क्या थ्री, एल थ्री पढ़ते हैं, एल की घात तीन है लेकिन इसे पढ़ते हैं एल थ्री, एल की घात तीन है लेकिन पढ़ेंगे क्या एल थ्री। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट बच्चों, अगर हम घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। इसका हम लोगों को, ये व्युत्पन्न राशि है, इसका व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, अपान को बोलते हैं प्रति, किलोग्राम प्रति, ये क्या हो जाएगा आयतन का मीटर क्यूब, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम, ये मीटर की घात तीन नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की घात माइनस तीन हो जाएगा। ठीक है, बीमा सूत्र लिखना चाहे तो बीमा सूत्र क्या लिखेंगे, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान होता है एम, और मीटर मतलब लंबाई है एल, पावर माइनस थ्री थ्री हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री। अब देखो यहाँ पर एम की पावर कुछ नहीं तो वन समझते हैं, अगर ये किसी की पावर कुछ नहीं है तो समझ जाना वन, एम अकेला लिखा तो समझ जाना एम की पावर वन है, एम अकेला है तो एम की पावर वन है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गया, घनत्व हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, दूरी मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई की बीमा एल हो जाएगी, समय की बीमा टी हो जाएगी, ऊपर एल नीचे टी, यहाँ कुछ नहीं तो टी की पावर वन लिखो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बीमीय सूत्र हो जाएगा एल टी माइनस वन। वैसे चाल का बीमा सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, अगर वेग की बात करें, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन एक लंबाई है, इसको एल लिखेंगे, समय का टी होता है टी लिख देंगे, पावर यहां पर वन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, एल टी माइनस वन। इसका मतलब वेग का भी बीमीय सूत्र क्या होगा, एल टी माइनस वन हो गया, वेग का भी एल टी माइनस वन, और जो है चाल का भी एल टी माइनस वन, दोनों का एल टी माइनस वन हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा पॉइंट है, अगर हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण एक सदिश राशि होती है, याद रखना त्वरण एक सदिश राशि होती है, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश। यहां पर देखो वेग, वेग का बीमा सूत्र हम लोगों ने निकाला भी एल टी माइनस वन होता है, नीचे समय का बीमा सूत्र हमने निकाला टी की पावर वन, ये वन पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू हो जाएगा, ऊपर जाएगा। त्वरण का बीमीय सूत्र हो गया एल टी माइनस टू, मात्रक इसका कल बताया था, इसका मात्रक त्वरण का क्या आया था, तो हमने कहा था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, और वह बीमा सूत्र क्या होगा एल टी माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा। यहां पर जैसे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं संवेग, अगर संवेग की बात करें तो संवेग किसे कहते हैं, संवेग पहली बात ये सदिश राशि है, साथ साथ में ये भी ध्यान रखो संवेग कैसी राशि है, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, और ये क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक हम बता चुके हैं क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो क्या ओवरऑल आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को बच्चों न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, इसे भी याद रखना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, इसे न्यूटन सेकंड कहते हैं,
इसे न्यूटन सेकंड बोला जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बोलिए। देखो सूत्र के अनुसार यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे, वेग की जगह मीटर प्रति सेकंड, तो आएगा ओवरऑल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बल की, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल एक सदिश राशि है, ध्यान रखना बल कैसी राशि है, ये भी सदिश है। बल की बात करते हैं तो ये भी सदिश है, ठीक है, ये भी सदिश राशि होती है, और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर M, आप लोगों ने सुना होगा, F बराबर M into A। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम होगा, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे ही न्यूटन कहते हैं, कल बताया था, इसे ही बोलते हैं न्यूटन, इसे बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक, ये जो न्यूटन है ये एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, न्यूटन का अर्थ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का भीमा सूत्र पूछा जा सकता है, किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, एम, और ये देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, एल, और नीचे टी की पावर टू आएगा, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू, या फिर टी माइनस टू हो जाएगा। तो बल का भीमा सूत्र हमेशा याद रखो, जितना बोर्ड पर बता रहे सब हमेशा रटा होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं क्षेत्रफल तुरंत समझो एल टू, आयतन एल थ्री, घनत्व एम एल माइनस थ्री, वेग और चाल एल टी माइनस वन, त्वरण एल टी माइनस टू, और जो है बल एम एल टी माइनस टू, संवेग एम एल टी माइनस वन, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका बल। इसके बाद कार्य की बात करते हैं, वर्क, कार्य क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल का मात्रक अगर हम लोग यहाँ लिखें न्यूटन, न्यूटन लिख दें, विस्थापन का मीटर लिख दें, तो न्यूटन मीटर मिल जाएगा। या हम एक काम और करते हैं, यहाँ बल की जगह न्यूटन ना लिख करके किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इंटू ये क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, तो जूल का अर्थ है न्यूटन मीटर, जूल का अर्थ है न्यूटन मीटर यहाँ पर, और इसी का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सबका एक ही अर्थ होता है। जूल जो होता है कार्य का एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक कहलाता है, ये कार्य का जो है एसआई मात्रक कहलाता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कार्य हो गया। इसी तरीके से बल आघूर्ण, कार्य को अधिश राशि नोट कर लेना, बल आघूर्ण ये पूछा जा चुका है यूपी कैडेट में, बल आघूर्ण पहली बार तो सदिश राशि है, बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश है। इसका सूत्र जो होता है बल गुणे दूरी होता है, सूत्र वही होता है, वहां पर बल गुणे विस्थापन है, और वही यहां पर होता है बल गुणे दूरी। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते, उस न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, लेकिन इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका भी भीमा सूत्र है, देखो ध्यान से समझ लो, न्यूटन मीटर यहां पर भी आ रहा, न्यूटन मीटर वहां भी आया था, तो बल आघूर्ण हो गया। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, और जो है कार्य हो गया, या ऊर्जा हो, ऊर्जा मतलब एनर्जी, या जो है यहां पर लिखते हैं उष्मा, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। बल आघूर्ण, ये देखो ये तीनों तो अधिश राशि, ये तीनों ही अधिश राशियां हैं, स्केलर है, ये अधिश है, और ये अकेला यहाँ पर क्या है, ये सदिश है, लेकिन इन सभी के विमीय सूत्र सेम होते हैं, इन सबके विमा सूत्र होते हैं एम एल टू टी माइनस टू, इन सबका विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ये विमा सूत्र है। इतनी बात सबको पता होना चाहिए। बल आघूर्ण बहुत पूछा जाता है, बल आघूर्ण कैसी राशि है, इसका मात्र क्या होता है, ठीक है। या बल आघूर्ण की विमा निम्न में से किसकी विमा के समान होती है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतना ओके है। अब इसके बाद बच्चों आवेग की बात करते हैं, आवेग, आवेग होता है इंपल्स, इसका सूत्र होता है बल गुणे समय, बल गुणे समयांतराल, बल गुणे समयांतराल, बल, देखो किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल लगा, किसी वस्तु पर बल लगा जितने समय तक लगा, बल और समयांतराल का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग आवेग कहते हैं, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। यह व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न में सदिश राशि है, यह सदिश।